गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक इन आवर ऑनलाइन क्लासेस, क्लास फोर्थ, सब्जेक्ट साइंस, चैप्टर नंबर एट द एयर वी ब्रीथ। सो स्टूडेंट्स, इन आवर प्रीवियस वीडियो आई टोल्ड यू अबाउट द एयर एंड देयर प्रॉपर्टीज, दैट एयर हैज वेट, air carries things, air occupies space, air has no shape of its own, air is colorless and odorless, air moves and pushes things. Okay, so students, today we will read about the air. What is air made up of? Okay, the properties of air are useful to us in many ways. So let's start. The properties of air are useful to us in many ways. जो air की properties हैं वो हमारे लिए बहुत कई रास्ते से, कई ways से, कई तरीक़ों से क्या हैं, useful हैं. Many ways, कई तरीक़े से. Sports such as football, basketball and tennis depend on the ability of air to be compressed inside a ball, which makes the ball bounce. Means sports जैसे football हुई, basketball हुई, tennis हुआ, तो ये जो है इनकी जो ability है air compression की वो ball के अंदर है, यानी वो जो बॉल बाउंस हो रही है ना, वो बाउंस क्यों हो रही है, वो क्यों उछल रही है, बिकॉज ऑफ द एयर, क्योंकि फुटबॉल में एयर होती है, वो इन्फ्लेटेड होती है, बास्केटबॉल में एयर होती है, इसलिए उनका जो बाउंसिंग वाला एबिलिटी है, जो बाउंसिंग वाली क्वालिटी है वो कंप्लीट, बाउंसिंग वाली क्वालिटी जो है वो सिर्फ एयर की वजह से. सो वॉट इज़ एयर मेड अप ऑफ? द एयर अराउंड इज मेड अप ऑफ मैनी गैसेस, यानी वो एयर जो कि कई गैसेस से मिलकर बनी होती है. द एयर अराउंड अस, यानी वो एयर जो हमारे चारों ओर है, इज़ मेड अप ऑफ मैनी गैसेस, किससे मिलकर बनी है, कई गैसेस से मिलकर बनी है. इट फॉर्म्स ए ब्लैंकेट नॉन एज द एटमोसफेयर, जो कि क्या करती है, हमारे एटमोसफेयर को, हमारे वातावरण को क्या कर रखा है, एक ब्लैंकेट की तरह उसने कवर कर रखा है. सो इट फॉर्म्स अ ब्लैंकेट, जो कि ब्लैंकेट को फॉर्म करती है, एंड नॉन एज द एटमोसफेयर, जो कि किसके नॉन जानी जाती है, कैसे जानी जाती है, जो एटमोसफेयर कहलाती है, जिसे हम एटमोसफेयर कहते हैं, अराउंड द अर्थ, अर्थ के अराउंड. सो द एयर अराउंड अस इज़ मेड अप ऑफ मैनी गैसेज, यानी वो एयर जो कि हमारे चारों ओर पाई जाती है, कई गैसेज से मिलकर बनी होती है. इट फॉर्म्स ए ब्लैंकेट, जो कि ब्लैंकेट को फॉर्म करती है हमारे अर्थ के चारों ओर, जिसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं. एंड वन ऑफ इट्स इम्पॉर्टेंट फंक्शन इज़ टू प्रोटेक्ट आवर प्लैनेट, और इसका जो एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन रहता है वो क्या रहता है, वो रहता है हमारे प्लैनेट को प्रोटेक्ट करने का. सो द रीड द कॉमिक स्ट्रिप टू लर्न मोर अबाउट द एटमोसफेयर, तो देखिए कुछ स्ट्रिप्स हैं जिससे हम एटमोसफेयर के बारे में और अच्छे से क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं. हाय, आई एम अजय एन एस्ट्रोनॉट. मैं कौन हूँ? मैं एक अजय हूँ जो कि एस्ट्रोनॉट हूँ. हाय, आई एम अजय एन एस्ट्रोनॉट ट्रैवलिंग इन स्पेस. आई कैन सी अर्थ फ्रॉम हेयर. दिस इज थ्रिलिंग. मतलब मैं कहाँ ट्रैवल कर रहा हूँ, मैं स्पेस में ट्रैवल कर रहा हूँ. मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ से पूरी अर्थ को देख सकता हूँ. आई कैन सी अर्थ फ्रॉम हेयर. मैं यहाँ से पूरी अर्थ को देख सकता हूँ. दिस इज़ थ्रिलिंग. ये बहुत ही रोमांचक है, ये बहुत ही ज़्यादा थ्रिलिंग है. और प्लैनेट इज सराउंडेड बाय अ ब्लैंकेट ऑफ एयर नॉन एज द एटमोसफेयर. हमारा जो प्लैनेट है जो कि चारों ओर से ब्लैंकेट से ढका हुआ है, उसे हम कहते हैं एटमोसफेयर. इट प्रोटेक्ट्स आवर अर्थ, जिसने क्या कर रखा है, हमारे अर्थ को प्रोटेक्ट कर रखा है. सो द एटमोसफेयर इज क्विट थिन. जो एटमोसफेयर है वो काफ़ी थिन है,
इन फैक्ट जबकि इफ़ अर्थ वॉज एन एप्पल, अगर हम अर्थ को एक एप्पल की तरह माने, द एटमॉस्फेयर वुड बी एज थिन एज इट्स स्किन। तो जिस तरह से एप्पल का कवर होता है ना ऊपर, जिस तरह से एप्पल का छिलका, एप्पल का कवर जो होता है ऊपर, उस तरीके से एटमॉस्फेयर क्या है, हमारा ब्लैंकेट है। मतलब अर्थ का ब्लैंकेट क्या है, एटमॉस्फेयर है। इफ़ अर्थ वॉज एन एप्पल, अगर अर्थ एक एप्पल होता तो हम क्या करके रखता, सॉरी अर्थ जो है एक एप्पल की तरह है, तो जो उसका कवर है वो क्या है, एटमॉस्फेयर है। इस तरीके से मतलब अर्थ ने हमारे एटमॉस्फेयर को क्या कर रखा है, सॉरी एटमॉस्फेयर ने हमारे अर्थ को क्या कर रखा है, कवर कर रखा है। यानी अर्थ जो है उसके ऊपर एक ब्लैंकेट है जो है एटमॉस्फेयर। द अर्थ इन द एटमॉस्फेयर इज़ अ मिक्स ऑफ गैसेस सच इज नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। लिविंग थिंग्स ऑन प्लानिट अर्थ नीड दीज गैसेस टू लाइव। मतलब जो एटमॉस्फेयर है उसमें कुछ एयर हैं, कुछ गैसेस हैं। कौन कौन सी गैसेस हैं जो एयर जिससे मिलकर बनी हुई है, वो है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड लिविंग थिंग्स ऑन प्लानट अर्थ नीड दीज गैसेस टू लिव। यानी इन गैसेस को क्या करता है, वो गैसेस जो कि लिविंग थिंग के लिए रहने के लिए ज़रूरी होती हैं, यानी सर्वाइव करने के लिए ज़रूरी होती हैं। कौन कौन सी गैसेस, ऑक्सीजन। आफ्टर दिस एयर प्रोवाइड्स ऑक्सीजन फॉर ऑल लिविंग थिंग। एज वी नो एयर जो है वो क्या करती है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है फॉर द लिविंग थिंग्स। एंड द प्रेजेंस ऑफ एयर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर लाइफ टू एग्जिस्ट ऑन प्लानट अर्थ। और जो इम्पॉर्टेंस है एयर की, वो हमारे लाइफ प्लानट पर, द प्रेजेंस ऑफ एयर, जो एयर की जो प्रेजेंस है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिस वजह से हम अपनी लाइफ को अर्थ प्लानट पर एग्जिस्ट कर पाते हैं। अगर एयर नहीं हो या एब्सेंस हो एयर की, तो अपन नहीं रह सकते, हम हमारी लाइफ को या लिविंग थिंग्स जो हैं अपनी लाइफ को एग्जिस्ट नहीं कर सकते। सो इट इज़ अ मिक्सड इन वाटर, इन सीज एंड ओशियन। ये क्या है, कहाँ कहाँ मिक्स है, वाटर में भी मिक्स है, सी में भी मिक्स है और ओशियन में भी मिक्स है। यानी ऑक्सीजन जो है वो वाटर में मिक्स है, इसी वजह से तो जो एनिमल्स हैं, एक्वेटिक एनिमल्स जो कि पानी में रहते हैं, वो रह पाते हैं, सर्वाइव कर पाते हैं। दिस कैन बी सीन एज बबल्स व्हेन वेव्स क्रैश ऑन द शोर्स एंड इट इज़ ऑल्सो प्रेजेंट इन द सॉइल। इसलिए सॉइल में भी ये प्रेजेंट होती है। देखिए सॉइल में प्रेजेंट होने के लिए किस तरह से हम एक एक्सपेरिमेंट को कर सकते हैं और उससे हम ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि क्या सॉइल में भी एयर प्रेजेंट होती है, क्योंकि उसमें जो बबल्स उठते हैं, जो वेव्स आती हैं, वो इस चीज़ का प्रूफ होती हैं दैट सॉइल एयर इज इन द सॉइल। ओके यस, एक्सपेरिमेंट 8.5 इज व्हाट वी नीड टू दिस एक्टिविटी, अ हैंडफुल ऑफ क्ले, वन प्लास्टिक कप हाफ फिल्ड विद वाटर, वन शीट ऑफ न्यूज़पेपर। सो फॉर प्रूविंग दिस दैट एयर प्रेजेंट इन द सॉइल, वी विल डू एन एक्टिविटी ऑफ एक्सपेरिमेंट 3 and 8.5। टू डूइंग दिस एक्टिविटी वी नीड अ हैंडफुल क्ले, वन प्लास्टिक कप एंड हाफ फिल्ड विद वाटर and one sheet of newspaper. So what to do? Spread the sheet of newspaper on a table or the floor. हमें हमारे newspaper जो है उसको क्या करना है, उसको table पर spread करना है. Then place the half filled cup on it. जो हमने sheet पहले न्यूज़पेपर लिया, उसके ऊपर शीट को स्प्रेड किया, उसके ऊपर हम एक हाफ फिल कप
रखेंगे, देन ड्रॉप अ हैंडफुल ऑफ क्ले इनटू वाटर, और फिर हम उस कप में जिसमें ऑलरेडी वाटर है, हैंडफुल ऑफ क्ले जो है उसका क्या करेंगे, लंप डालेंगे। लंप मतलब उसका जो ढेर है, ढेरी है क्ले सॉइल की, एंड ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स टू द वाटर इन द ग्लास। और हमें ये ऑब्जर्व करना है कि ग्लास में क्या होता है, वाटर का जो ग्लास है, ग्लास वाटर में क्या होता है, ऑब्जर्व करना है। व्हाट यू ऑब्जर्व, व्हेन द लंप ऑफ क्ले वॉज ड्रॉप्ड इनसाइड द ग्लास ऑफ वाटर, इट सैंक टू द बॉटम ऑफ द ग्लास, और इट सैंक टू द बॉटम ऑफ द ग्लास एंड फॉर्म्ड बबल्स। मीन्स देखिए आपको क्या करना है, एक न्यूज़पेपर है उसको टेबल फ्लोर पर स्प्रेड करना है, उसके बाद आपको हाफ फिल कप लेना है और उस हाफ फिल कप में क्ले सॉइल का जो लंप है उसको वाटर में डालना है, फिर आपको ये देखना है कि क्या वो सिंक हो रहा है या वो बाहर आ रहा है, क्या हो रहा है, आपको ये ऑब्जर्व करना है। So what you observe? When the lump of clay was dropped inside the glass of water, जब हमने क्ले का लंप ग्लास में ड्रॉप किया वाटर के जिसमें ऑलरेडी वाटर है, देन क्या होता है, इट सैंक टू द बॉटम ऑफ द ग्लास एंड इट सैंक टू द बॉटम ऑफ द ग्लास एंड फॉर्म बबल्स। What you infer? Therefore, air is present or absent in the soil. Clay in this experiment, यानी क्ले वाले एक्सपेरिमेंट में आपने क्या देखा कि एयर जो है सॉइल में प्रेजेंट है या एबसेंट है। So here is an activity which is your homework, and these fill in the blanks also you should to fill this blanks. जब भी आप एक्टिविटी कंप्लीट करेंगे उसी से आप ये रिजल्ट्स निकाल पाएंगे। आफ्टर दिस इट इज़ योर होमवर्क। एयर मेक्स लाइफ पॉसिबल ऑन अ प्लानेट, हाउ डू यू फील अबाउट इट। ओके, एयर जो है हमारे प्लानेट पे हमारी लाइफ को पॉसिबल बनाती है, बट हाउ डू यू फील अबाउट इट, आपको कैसा फील होता है इस चीज़ के बारे में, आपको यहाँ ये राइट करना है। आफ्टर दिस next question is related to the air. Write a thank you note to air describing how it is useful and how it is helps you. मतलब देखिए ये question बहुत ही ज़्यादा common question है, हमें एक thank you note देना है। क्या करना है, हमें एक thank you note देना है, हमें एक thank you note लिखना है that air is helping us, कि हम हमारी लाइफ को सर्वाइव करने में, हम हमारी लाइफ को अर्थ पे पॉसिबल बनाने में, कि किस तरह से हमारी लाइफ हमारी अर्थ पर पॉसिबल है, उसमें एयर का क्या रोल प्ले होता है। देखिए बेटा, एयर जो है हमारे लिए एक इसेंशियल है, नेसेसरी है, मतलब इसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, ना ही इसके कोई ऑप्शन में ऐसी कोई चीज़ है जो कि हम ये कह सकते हो कि हाँ ये हमारे एयर का रिप्लेसमेंट है। तो ना तो एयर का कोई रिप्लेसमेंट है, इवन हमें क्या करना है कि हमें हमारे एटमॉस्फेयर को क्लीन बनाने के लिए हमें सारी वो एक्टिविटीज़ करना है जिससे कि हम हमारे एटमॉस्फेयर को ग्रीन बना सकें, क्लीन बना सकें, जिससे हम क्या कर सकें, जिससे हम फ्रेश एयर ले सकें, और हमारे अर्थ पर कभी भी प्लांट्स की ट्रीज़ की कमी नहीं हो। अगर हमारे अर्थ पर प्लांटेशन होगा, अगर हम प्लांटेशन करेंगे तो हमें कभी भी एयर की कमी नहीं होगी, कभी भी फ्रेश, हमेशा हमें फ्रेश एयर मिलेगी। हमें क्या करना चाहिए, हमें पॉल्यूशन को स्टॉप करने के लिए लोगों को अवेयर करना चाहिए कि किस तरह से हम पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे कि हमें पता लगता है कि वाकई एयर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और एयर हमारी इतनी ज़्यादा हेल्प करती है। सो नाउ एक्टिविटी ऑल्सो, इफ़ यू हैव द पावर टू गिव अ न्यू प्रॉपर्टी ऑफ एयर, अगर आपके पास एक ऐसी पावर हो कि आप एयर को एक और प्रॉपर्टी दे सकते हो, एक्सेप्ट दोज एक्टिविटीज विच इज़ मैंशन इन योर बुक, उन प्रॉपर्टीज़ के अलावा जो कि आपने ऑलरेडी बुक में पढ़ ली, उन प्रॉपर्टीज़ के अलावा अगर आप में कोई ऐसी पावर है कि आप जो है एयर को एक प्रॉपर्टी और दे सकते हैं, सो वॉट वुड इट बी, तो वो क्या होगी। Draw or describe how it will be useful to living things.
आपको यहाँ क्या करना है, ड्रॉ करना है और डिस्क्राइब करना है कि वो किस तरह की होगी और वो प्रॉपर्टी जो है वो कौन सी होगी, किस तरह की होगी और वो लिविंग थिंग के लिए कैसे यूज़फुल होगी स्पेशल। तो आप प्लीज़ इस बुक एक्टिविटी को कंप्लीट कीजिए। आफ्टर दिस वी विल कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।